नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी की कहानी काला घोड़ा लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें बेलाइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिए काला घोड़ा मजूमदार साहब रिश्वत नहीं लेते थे उनकी गिनती ईमानदार आयकर अधिकारियों में होती थी कहने को तो वह कमिश्नर ग्रेड के अफसर थे लेकिन उनमें आम अफसरों वाले गुण कम ही दिखते थे निर्मल स्वभाव वाले मजूमदार साहब संगीत साहित्य एवं कला प्रेमी थे मुझे अभी हाल ही में व्हाट्सएप पर उनका आमंत्रण मिला एक चित्र प्रदर्शनी में आने का और तुरंत बाद उनका फोन भी आ गया वर्मा जी मेरी पत्नी के चित्रों की प्रदर्शनी है पहली बार हिम्मत कर रही हैं। आपको आना है। आपके समाचार पत्र में कुछ कवरेज हो जाए तो उनका उत्साह वर्धन होगा मैं अवश्य आऊंगा मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया हम जैसे छोटे पत्रकारों के जीवन को ये खुशामद ही तो हासिल है मुंबई का काला घोड़ा फेस्टिवल देश का सबसे प्रतिष्ठित कला उत्सव माना जाता है इसी फेस्टिवल में श्रीमती वसुंधरा के लगभग तीस चित्र थे सभी आधुनिक कला यानी आर्ट। मुझे चित्रकला में ना कोई रुचि है ना इस विषय में कोई जानकारी सो में चित्रविथिका से दूर लोगों से मिलकर अपना सामाजिक दायित्व निभा रहा था अरे वर्मा जी आप वहां कहा खड़े हैं यहाँ आइए ना मजूमदार साहब ने मुझे बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया वसुंधरा इनसे मिलो मुंबई खबर अखबार के वरिष्ठ पत्रकार वर्मा जी मेरा नाम हमेशा की तरह अखबार के नाम के बाद लिया गया था बात सही थी कुछ अपवादों को छोड़कर पत्रकार की पहचान उसके अखबार से ही तो होती है बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। मैंने औपचारिकता वश बोल दिया क्या ये बिक्री हेतु है भी हैं मैंने पूछा जी हाँ श्रीमती मजूमदार उत्साहित होकर बोली आप खरीदना चाहेंगे मैं सोचकर बताता हूँ श्रीमती मजूमदार को मेरा शिष्टाचार के साथ ना कहना समझ आ गया था वो आगे बढ़ गई वैसे दाम कितने हैं इनके मैंने पूछा श्रीमती मजूमदार एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ पलटी हर पेंटिंग पर उसके दाम लिखे हैं उनके चेहरे का भाव मानो कह रहा हो कितने बड़े गमार हो तुम पेंटिंग्स के दाम देखकर मैं चौंक गया पांच लाख से लेकर बीस लाख तक के चित्र थे वहां पर एक गणेश जी की आकृति वाले विशाल चित्र पर तो पचास लाख की पर्ची चिपकी थी ये चित्र अच्छे थे या नहीं मैं नहीं कह सकता पर उनकी कीमत लगाने में श्रीमती मजूमदार ने ज्यादती कर दी थी मुझे चित्रों की बिक्री पर संदेह था कुछ ही देर में प्रदर्शनी में फिल्म कलाकार व्यवसायी खिलाड़ी और सोशलाइट्स का आना शुरू हुआ और धीरे धीरे हर पेंटिंग के नीचे सोल्ड की पर्ची चिपक गई वाकई मजूमदार साहब रिश्वत नहीं लेते थे तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।